बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या होता है। ये जो बैंक हेड की नियुक्ति करते हैं, जैसे डायरेक्टर हो गए या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए, उनकी नियुक्ति बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 2016 को हुई थी। किसके थ्रू हुई थी? इसकी स्थापना एक बैंक और नरेंद्र मोदी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके बीच में मीटिंग हुई थी, और मीटिंग का नाम था ज्ञान संगम। और ज्ञान संगम मीटिंग के अंदर ही इसकी अवधारणा निकल के आई थी। इसका मेन काम बैंक के हेड की नियुक्ति करना होता है, और इसमें 6 सदस्य होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में है, और इसके जो चेयरमैन है वो भानु प्रताप शर्मा है, जिनकी फोटो आप देख सकते हो। इसमें 6 मेंबर जो होते हैं वो किस टाइप से होते हैं? इसमें 3 फॉर्मर बैंकर्स होने चाहिए, और 2 प्रोफेशनल या सेक्रेटरीज लेवल के लोग होना चाहिए, और एक हेड तो शक्तिकांत दास है, ये भानु प्रताप शर्मा है, टोटल 6 हो गए। इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट थे जो मैंने इसमें कवर किए हैं। इसने एक तो पहला है कि इसने 1 अप्रैल 2016 से काम करना स्टार्ट किया है, और इसने आरबीआई की जो बोर्ड होता था जो बैंक के हेड की नियुक्ति करता था उसको रिप्लेस किया है। और इसका मेन काम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी होगी एग्जाम के लिए। और मेरी पुरानी वीडियो की जितने भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने नीचे अपलोड कर दी है। थैंक यू।